नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश के स्पेशल एडिशन उत्तराखंड के एडिशन में। आज बात पिरान कलियर की होगी। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि यहां का क्या हाल है, विधानसभा जो क्या कहती है, क्या कुछ समेटे हुए अपने अंदर, वो तस्वीरें आज उजागर करेंगे। कुछ ग्रामीण भी मेरे साथ बनेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आप जरूर देखिए और फैसला कीजिए कि आपकी विधानसभा कैसी होनी चाहिए, आपकी विधानसभा के हालात कैसे होने चाहिए। ये हालात हैं पिरान कलियर विधानसभा के। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल है, पुल सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई हैं। ये हालात पिरान कलियर विधानसभा के। विधायक जी आते हैं, दावे करते हैं, चले जाते हैं और फिलहाल तो दिखाई ही नहीं देते। इक्का दुक्का बार आके दर्शन करा देते हैं, वादे कर देते हैं लोगों से कि हाँ हम सफाई करवाएंगे, हाँ हम पुल का निर्माण करवाएंगे, हाँ हम सड़कों का निर्माण कराएंगे, लेकिन होता क्या है ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। तो भले ही पिरान कलियर विधायक हाजी फुरखान कहते हों कि उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत विकास किया है, विकास कितना किया है देखते रहिए, पर अगर धरातल पर हम देखें तो पिरान कलियर में आज भी समस्याओं का भारी अंबार लगा हुआ है। गंदगी का अंबार तो है ही, समस्याओं का भी अंबार कम नहीं है। सफाई व्यवस्था से लेकर आने जाने तक की दिक्कतों से लोगों को दो चार होना पड़ता है। सड़कें कितनी पक्की हैं ये देखिए। शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर क्षेत्र के लोगों को रुड़की की अन्य जगहों पर जाना पड़ता है, अपनी विधानसभा से दूर यानी कि कई किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। रैन बसेरों की हालत आप देखिए, सर्दियों के मौसम में ये उम्मीद रहती है सरकार से या प्रशासन से कि वो रैन बसेरों का इंतजाम करेंगे। रैन बसेरों की हालत आप देखिए, ये सड़कों की हालत है, बाजारों की हालत है, गंदगी इतनी ज्यादा है, तमाम बीमारियां इससे फैलती होंगी। कोरोना चल रहा है उसके बावजूद भी इतनी गंदगी, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना काम किया है यहाँ पर। दरगाह हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक कलियर, नाम में शुद्धता लेकिन जगह पर शुद्धता नजर नहीं आती है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं इस दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए। पर्यटकों के लिहाज से भी ये जगह काफी फेमस है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके आसपास के इलाके पूरी तरह से गंदगी से गमगीन नजर आते हैं। कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं कूड़ा कचरा भरा हुआ है। ये देखिए कितना विकास हुआ है यहाँ पर। मेरे सहयोगी शहजाद राजपूत भी मेरे साथ जुड़ेंगे, एक ग्रामीण है तौकीर आलम, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। उनसे बात करें उससे पहले, बार बार हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि देखना जरूरी है। 2022 में आंखें बंद करके वोट मत दे दीजिएगा, पहले तस्वीर देखिए फिर वोट का फैसला लीजिएगा। ये देखिए मुख्य बाजार, यहाँ पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, दरगाह पर जाते हैं। यहाँ के हालात ऐसे हैं, शिक्षा पूरी तरह से चौपट यहाँ नजर आती है। शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था के हाल जो है वो खस्ता हाल है। सफाई व्यवस्था तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, इसके अलावा जब मेरे सहयोगी जुड़ेंगे तो उनसे शिक्षा स्वास्थ्य का हाल भी जानने की कोशिश करेंगे। सड़कें भी मैं आपको दिखा रही हूँ इन तस्वीरों के माध्यम से, सड़कें पूरी तरह से एकदम टूटी पड़ी हैं, रैन बसेरों का बुरा हाल है। तो कोई भी अगर यहाँ पहुँचेगा, कोई भी पर्यटक यहाँ पहुँचेगा, अगर उसे यहाँ रुकना होगा रैन बसेरे में, तो क्या ऐसे रैन बसेरे में रुकेगा जहाँ पर सोना तो बहुत दूर की बात है, रुकना तो बहुत दूर की बात है, कोई दो मिनट खड़ा भी नहीं हो सकता क्योंकि आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। 5 सालों में बहुत वादे किए जाते हैं, बहुत दावे किए जाते हैं कि हम अपनी विधानसभा को स्वच्छ बनाएंगे, हम अपनी विधानसभा में महिलाओं के लिए बेहतर काम करेंगे, महिलाओं की शिक्षा के लिए काम करेंगे, बच्चों की शिक्षा के लिए काम करेंगे, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे, लेकिन कितना काम होता है वो तस्वीरें बयां कर देती हैं। पिरान कलियर की तस्वीरें अपना दर्द खुद बयां कर रही हैं कि कितना दर्द ये समेटे हुए हैं खुद के अंदर। तो एक एक तस्वीर से पर्दा उठाने की कोशिश अगले आधे घंटे में करेंगे, कितना सच है कितना झूठ है ये जानने की कोशिश करेंगे, विकास कितना हुआ है दिख रहा है। हाजी फुरखान जब भी कैमरे के सामने आते हैं बखान करते हैं कि हमने अपनी विधानसभा में बहुत काम किया है, इतना विकास किया है कि चमचमाता हुआ पिरान कलियर नजर आता है। लेकिन अगर आप खुद जाएंगे और वहां की जनता से पूछेंगे तो हालात आपको नजर आएंगे।
तौकीर आलम ग्रामीण है पिरान कलियर से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर जी, सबसे पहले बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। तौकीर जी, आपकी आवाज जी 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 बिल्कुल आ रही है। तौकीर जी, कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। पिरान कलियर, हाजी फुरकान कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है, चमचमाता हुआ हमारा विधानसभा नजर आता है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। मैम, विकास की अगर बात करें यहाँ पे विधानसभा पिरान कलियर में, तो धरातल पे तो किसी तरह का कोई विकास नहीं। और फिर उसके बाद बात करते हैं हम पिछले 10 सालों की, कुछ काम किए हैं यहाँ पे जो एमएलए हैं हमारे, कुछ काम किए उन्होंने। जैसे यहाँ पे एक सीएससी चिकित्सा केंद्र बनवाया उन्होंने, एक बड़ा मुद्दा था पुल का, यहाँ पे बड़ा मुद्दा पुल का था, उन्होंने पुल बनवाया। बट उससे भी बड़ा एक मुद्दा है, वो पुराने पुल का है यहाँ पे, जो पूरे क्षेत्र को जोड़ता है, उसी को लेकर के यहाँ के लोग ज्यादातर इसी चीज का मुद्दा उठाते रहते हैं हमेशा, बोलते रहते हैं कि यहाँ पे एमएलए साहब ने कोई काम नहीं कराया है धरातल पे, और पिछले 10 सालों से किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं मिल पाई है। तो ये लोगों का एक बड़ा मुद्दा है पुल को लेकर। बिल्कुल तौकीर, यानी ये कहा जा सकता है कि पुल का तो बहुत बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन जो तस्वीरें मुझे नजर आ रही हैं, सफाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, व्यस्तम ये इलाका है, बाजार जो है पूरी तरह से पूरे व्यस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन साफ सफाई कहीं नजर नहीं आ रही है। इससे स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा असर पड़ता होगा लोगों के। सफाई की बात अगर करें, सफाई व्यवस्था एकदम धरातल पे तो एकदम यहाँ पे पस्त है। अगर सफाई व्यवस्था की पूरे क्षेत्र में बात करें, एकदम ठप मानो। उसी चीज को लेकर के यहाँ के लोग इस बात को पहले भी खा चुके हैं कि सफाई व्यवस्था को लेकर सभी तरह के लोग, जितने जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर, उस चीज को नजरअंदाज करते रहते हैं। जबकि ये एक धार्मिक स्थल है, विश्व प्रसिद्ध स्थल है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि इस चीज को ध्यान में नहीं रखते हैं और सफाई का मुद्दा कभी भी साथ में लेकर नहीं। बिल्कुल तौकीर, क्या आपकी मुलाकात क्या विधायक साहब जी से हुई है कभी? आपकी मुलाकात क्या विधायक जी से हुई है कभी विकास के लिए? बिल्कुल, विकास के लिए या फिर तमाम जो समस्याएं हैं उसके लिए क्या विधायक जी से आपकी मुलाकात हुई है? मैम आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे ना। तौकीर, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? एक बार रिपीट करें फिर से। तौकीर, अब आवाज आ रही है मेरी? चलो, तौकीर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है फिलहाल। कैसे हालात हैं उन्होंने बताए, पुल का उन्होंने जिक्र किया है कि पुल का निर्माण कार्य तो चल रहा है, लेकिन जो पुराना पुल है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है और उससे कहीं ना कहीं कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं और कोशिश होती है कि दूसरे पुल से वो वाहन गुजरे, लेकिन जो वो पुल है वो इस पूरे मुख्य मार्ग को जोड़ता है दूसरे मुख्य इलाकों से, तो लोगों की कहीं ना कहीं मजबूरी है उस पुल से गुजरना, लेकिन कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस वजह से बार बार शिकायतें की जा चुकी हैं, उसके बावजूद भी कोई यहाँ पर विकास का काम नहीं होता है। बार बार ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अपनी अपनी विधानसभा का जिक्र करते हुए विधायक नजर आते हैं, अपनी अपनी विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड लेकर सामने आते हैं जनता के। लेकिन कुछ विधायक ऐसे हैं जो सिर्फ कागजों में अपनी वाहवाही लूटते हैं, लेकिन हकीकत में कैसी तस्वीरें हैं वो हम दिखा रहे हैं। देखिए, मेरा गांव मेरा देश, ये हमने प्रोग्राम इसलिए शुरू किया था ताकि हर एक विधानसभा की जो सूरत है और जो सीरत है वो आप लोगों तक पहुंचा सके। सीरत क्या है विधायक जी की वो भी नजर आती है, और सूरत क्या है पिरान कलियर की वो भी इन तस्वीरों में नजर आ रही है। दोनों ही पूरी तरह से बदसूरत हैं क्योंकि इन्हें इन तस्वीरों को देखकर नहीं कहा जा सकता कि ये एक पर्यटक स्थल है जहां पर हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, इस दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं और साथ ही साथ इस पूरी बड़ी मार्केट में घूमते हैं। एक बार फिर तौकीर मेरे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर, क्या मेरी आवाज अब आप तक पहुंच रही है? एक्चुअली मैम, अगर यहाँ पे दूर दराज से लोगों के आने की बात अगर करें, विश्व प्रसिद्ध स्थल है, मैंने आपसे कहा फिर से, यहाँ पे सफाई व्यवस्था के लिए तो खैर मैं यही कहूंगा कि असर यही देखना मिलता है,
गंदगी के अंबार लगे रहते हैं और जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें इस तरह का मैसेज पहुंचता है कि यहाँ पे अक्सर गंदगी रहती है, जबकि ये एक प्रसिद्ध स्थल है और यहाँ पे सभी धर्मों को जोड़ा जाता है, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी आस्था पाते हैं और अपनी आस्था को लेकर यहाँ पे दूर दराज से आते हैं। लेकिन यहाँ के, मैं एक बार फिर से कहूंगा, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है इस चीज को लेकर गंभीर नहीं है। पिछले 10 सालों में किसी तरह की कोई सफाई व्यवस्था को लेकर, चाहे कोई बड़ा हॉस्टल हो या कॉलेज हो या फिर इसका शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार को लेकर यहाँ पे सभी चीजें धराशायी। तो आखिर क्या विधायक जी से कभी आपकी मुलाकात हो पाई है, क्या बातचीत हो पाई है इन समस्याओं को लेकर? क्या कहते हैं वो, कभी अपनी जनता से मुलाकात करने के लिए निकलते हैं बस्तियों में, कॉलोनियों में, गांव में या नहीं? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो आखिर मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि विधायक जी क्या अपने इलाके में निकलते हैं, भ्रमण करते हैं, समस्या जानने की कोशिश करते हैं? मैम, अगर यहाँ पे धर्मस्थल की बात करें, जैसे यहाँ पर लोग आते हैं, अगर उनकी बात करें या फिर जो दरगाह से व्यवस्थाएं हैं वो भी एक तरह से ठप है और सफाई को लेकर तो है ही है। मैंने आपसे कहा है जैसे यहाँ से बहुत सारे अनजान लोग यहाँ पर आते हैं, कई बार ऐसा होता है किसी की डेथ भी हो जाती है यहाँ पर, तो वो एक तरह से लाभान्वित होता है। गरीब लोग जो यहाँ पे बेसहारा लोग आते हैं उनकी डेथ भी हो जाती है, लेकिन उसको भी लेकर के यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही वो MLA की तरफ से कोई व्यवस्था है, ना ही जनप्रतिनिधि की तरफ से कोई व्यवस्था है और ना ही दरगाह की तरफ से कोई व्यवस्था है। और बोर्ड की भी अगर बात करें वो भी इस चीज को लेकर गंभीर नहीं है। यहाँ पे जो लोग अनजान होते हैं या फिर क्या नाम लावारिस कह लीजिए उन्हें, गरीब गुरबा जो लोग होते हैं वो लगातार यहाँ भटकते रहते हैं अपने शव को लेकर, उन्हें किस तरह की व्यवस्था नहीं मिलती। तो फिर अगर शिक्षा व्यवस्था की और स्वास्थ्य व्यवस्था की मैं बात करूँ, क्या ये दोनों ठीक है प्लान क्लियर में? अक्सर यही देखने को मिलता है यहाँ पर, लोगों के मन में यही बातें चलती है, रोज की रहता है। कई बार कहते हैं कि हमारे जो MLA साहब हमारे बीच नहीं आते हैं, रोड को लेकर इस तरह की बातें चलते रहते हैं, कॉलोनी को लेकर और यहाँ की जो स्थायी मुद्दे हैं उन्हें लेकर के आसपास क्षेत्र, तो मेरे ख्याल से 41 या 44 गाँव इस क्षेत्र में आते हैं पहले विधानसभा में, लेकिन उस चीज को लेकर भी यहाँ पे चाहे तो राज्य सरकार को ले लो और चाहे यहाँ के जो MLA हैं उनको ले लो, बट पिछले 10 सालों में इस तरह का कोई कार्य नहीं हुआ है। दूसरी बात ये है मैम, यहाँ क्या है एक्चुअली, हम अगर माने उत्तराखंड एक संस्कृति का एक प्रदेश है, यहाँ पे अक्सर क्या होता है चार धाम कहे जाते हैं उत्तराखंड में, लेकिन तीर्थ स्थल के हिसाब से अगर यहाँ पर देखा जाए तो उत्तराखंड का 5वां धाम लगभग है पीरान कलियर, लेकिन उस स्तर को लेकर भी राज्य सरकार या मतलब यहाँ के लोकल पॉलिटिकल जो है वो चीज को लेकर कोई गंभीर नहीं होती। बिल्कुल, तो आखिर जो मुख्य समस्या है पिरान कलियर की वो क्या है, क्योंकि बार बार आप यहाँ पर पुल की बात कर रहे हैं, सड़कों की बात कर रहे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो क्या बेहतर है पिरान कलियर में, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं हाजी फुरखान साहब से? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पे कोई इस तरह का कोई इंतजाम नहीं है, ना ही कोई प्रोटेक्शन है यहाँ पे, और इस तरह से कोई अगर बाहर से आते हैं जैसे जनप्रतिनिधि भी आते हैं और कोई संत भी आते हैं यहाँ पर, सरकार से आते हैं, उस तरह की मतलब यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। अचानक से अगर कोई प्रकट हो जाता है तो कोई प्रशासन की व्यवस्था नहीं होती यहाँ पर, और अचानक से यही देखने को मिलता है कि हबड़ दबड़ काम के लिए व्यवस्था की जाती है समय के लिए। जैसे यहाँ पर लोग हैं काफी दूर दूर से पड़े हुए हैं जी, कोई जांच पड़ताल नहीं की जाती है और यहाँ के जो लोग हैं चीज को गंभीरता से नहीं लेते, अक्सर ऐसा भी हो सकता है बाहर के कुछ लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं, पता नहीं कब से रह रहे हैं, ID वगैरह नहीं है। तो आखिर क्या मेरी आवाज आप तक ठीक तरीके से पहुंच पा रही है? मेरे सहयोगी शहजाद राजपूत भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी पिरान कलियर की कैसी तस्वीर है वो जानने की कोशिश करेंगे। कुछ तस्वीरें तो मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन शहजाद बहुत अच्छे से यहाँ बता पाएंगे क्योंकि वो लगातार फील्ड पर बने रहते हैं। शहजाद, पिरान कलियर में कितना विकास हुआ है इन 5 सालों में, क्या कुछ बदला है, तस्वीर जस की तस है?
आपको बता दूं, चलिए विधानसभा 2012 में आपने, और यहाँ पर लगातार हार्दिक कृपा विधायक का कब्जा है विधानसभा पर। तो 5 साल पहले जब 2012 से 2017 कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने विकास कार्य तो किए, लेकिन जब से 2017 में बात करें तो 2017 में बहुत विकास कार्य रुके हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर तौर पर, आप सब सफाई व्यवस्था को लेकर, और सबसे बड़ा मुद्दा ये है यहाँ पर पुल का बना हुआ है जहाँ पर जायरीनों का आने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो रास्ता 2 मिनट का है उसको भी आधे घंटे में तय कर कर आना पड़ रहा है। वहीं अगर बात करें सड़कों बहुत खराब हालत में पड़ी हुई है, और अगर बात करें दरगाह है और सारी साथ यहाँ पर देखा जाए तो शहजाद आपकी आवाज ठीक तरीके से मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, अपनी ईपी ठीक कर लीजिएगा तो आवाज सही तरीके से मुझ तक पहुंच पाएगी। जी मैम, शहजाद बोलिए। मैं आपको बता दूं यहाँ पर अगर सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर सफाई व्यवस्था पर काफी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और वहीं अगर बात दिन पहले बना दिया था उसकी बदबू भरा पानी गलती के अंबार लग गई, जबकि उस तालाब में काफी कचरा आया हुआ है, और वक्त बोर्ड से लेकर विधानसभा जो विधायक है कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शहजाद हाजी फुरकान जो कि यहाँ के विधायक हैं, क्या वो लोगों के बीच पहुँचते हैं या सिर्फ 5 साल में सिर्फ एक ही बार पहुँचे और एक ही बार बस वोट मांगा और जब विधायक बन गए तो बस खत्म? हाजीपुर का तो ये कहते हैं कि मैंने विकास कार्य कराए हैं, अगर बात धरातल पर की जाए तो यहाँ पर अगर बात स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य के लिए भी तो काफी दूर जाना पड़ता है, या तो रोड की सेवा के लिए स्वास्थ्य के लिए जाना पड़ता है। और फुरकान विधायक कहते हैं कि मैंने यहाँ पर यूनानी विधायक के शेकट कराया, लेकिन वो कागजों में ही शेकट हो रहा है, 5 साल तो कभी यहाँ पर उस पर काम नहीं हुआ, कोई जमीन नहीं उसके लिए रखी गई है। बिल्कुल लेकर अगर बात करें जी, खर्च हुआ है, ये तालाब तैयार हुआ था, ये बहुत पुराना तालाब है, 17 साल का था, लेकिन इसे एक बार बना दिया गया, उसके बाद नहीं लिया गया, ना ही इस चीज को देखा गया है कितना खर्च है, ना ही वो भी हो पा रही है। अक्सर बात देखकर कहा गया है कि तो शायद कनेक्टिविटी का इशू है, इस वजह से आपकी आवाज तौकीर मुझ तक ठीक नहीं पहुंच पा रही है। मैं अपनी सहयोगी का रुख करूंगी। शहजाद, और कौन कौन सी समस्याएं हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो वो कितनी बेहतर है, क्योंकि सफाई पर लगातार हम बात कर रहे हैं, पुलों पर बात कर रहे हैं, सड़कों पर बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पर हम बात नहीं कर पा रहे हैं। अगर बात स्वास्थ्य करें तो विधानसभा में कोई भी ऐसा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जहाँ पर लोगों को उपचार मिल सके और अच्छी तरह लोगों को वहाँ से सुविधाएं मिल सके। और अगर बात करें शिक्षा की तो शिक्षा में अभी तक कलियर विधानसभा में कोई भी डिग्री कॉलेज मकान विधायक नहीं बनवा पा, और कलियर में तो खासतौर पर काफी सामना लोगों को करना पड़ रहा है, और काफी आक्रोश भी देखने को इस बार मकान विधायक खिलाफ लोगों को दिख रहा है। शहजाद, तो क्या पढ़ाई के लिए बच्चों को रुड़की का रुख करना पड़ता है? जी, पढ़ाई के लिए रुड़की, हरिद्वार और अन्य स्थलों पर जाकर लोग, यानी इतनी दूर रोजाना जो स्टूडेंट्स हैं वो अप डाउन करते हैं। जी, उनको काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। कैसे जाते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, क्या आपकी बातचीत हो पाई है उन बच्चों से? वो बच्चे टाइम पे ई रिक्शा में वहाँ पे निकलते हैं, और कुछ प्राइवेट गाड़ियां चलती है, जैसे उन्हें काफी का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर कोई जो बस स्टैंड है उसकी भी कोई सुविधा नहीं कर पाए, शहजाद, तो क्या क्या मांग नहीं की गई कि यहाँ पर भी एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उनके मासूम बच्चे इतनी दूर दूर तक पढ़ाई के लिए जाते हैं? जी, वहाँ पर डिग्री कॉलेज भी होना चाहिए और स्वास्थ्य केंद्र भी अच्छा होना चाहिए, और उसे देखते हुए लोगों ने काफी आक्रोश किए, और कहीं ना कहीं फुरकान विधायक के खिलाफ प्रदर्शन भी लोग लगातार कर रहे हैं। जी,
बिल्कुल शहजाद, और इसके अलावा कौन कौन सी समस्याएं हैं जो मुख्य बनी हुई हैं, क्योंकि शिक्षा पर हम बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर बात कर रहे हैं, सफाई पर बात कर रहे हैं, सड़कों पर बात हमने कर ली है, और क्या मुख्य समस्याएं हैं? क्या पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंच पा रहा है पिरान कलियर वासियों के पास? अगर पीने के पानी की बात करें तो वहाँ पर एक बहुत पुरानी टंकी बनी हुई है जिसका जिसकी आज तक सफाई भी नहीं की गई है, और उसमें से गंदा पानी भी आता है। लोग आज तक 10 सालों में उस टंकी को सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया, वो भी लगातार गंदा पानी पीने पर लोग मजबूर है वहाँ पर, और उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी बार बार किया जाता है, और इसी तरह लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या शिकायत की गई है विधायक जी से कि ये समस्याएं आ रही हैं? क्या आश्वासन कोई मिला है अब तक इन 5 सालों में? शिकायत तो जो ग्रामीण है काफी शिकायत की है, और विधायक को भी काफी बार कहा गया, लेकिन वहीं पर उनका कहना है कि ये 10 सालों से अभी तक नहीं हुआ, तो कहकर अपनी पंगा झाड़ देते हैं कि ये हम जल्दी करा देंगे, और जिस दिन चुनाव का टाइम आता है उस टाइम लोगों को मिलने जाते हैं, उससे पहले लोगों के पास संपर्क नहीं रहते। तो आखिर आप ग्रामीण हैं, देखते हैं कि आसपास के इलाकों में क्या कुछ हो रहा है, गांव वालों को किस तरह के समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। अगर वहां की मैं महिलाओं की बात करूं, अगर योजनाओं की बात करूं, तो महिलाओं को क्या योजनाओं का लाभ मिल रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो, चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से हो? देखिए मैम, तरफ बात करें तो ये 2080 का मतलब लाभ मिल रहा है, बट अगर यहाँ की पानी की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो वो तो एकदम धराशायी है, एकदम ग्राम है। और अगर क्या नाम, यहाँ के जो क्षेत्र के MLA हैं, गंभीर नहीं होते हैं। अभी आपको बताया, एक स्वास्थ्य जो चिकित्सा है, छोटा सा हॉस्पिटल है, उसका उद्घाटन किया 10 सालों फर्स्ट टाइम। शिक्षा और रोजगार की अगर बात की बात करें तो यहाँ ये सब बहिष्कार होगा या फिर सत्ता का परिवर्तन की चाह है? लोगों का मानना ही है, सत्ता है लोगों के अंदर देखने को मिलता है। अगर राज्य सरकार की बात करें, पिछले 5 सालों का राज्य सरकार ने इस तरह का कोई काम नहीं किया है, लोग सेटिस्फाई होते हैं। और ये बात नहीं जा सके, यहाँ सत्ता परिवर्तन के बारे में आप क्या कहेंगे उस चीज को लेकर के? अक्सर लोग यही जवाब देते हैं, पिछले 5 सालों में राज्य सरकार डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन इस तरह कोई कार्य नहीं कर पाई। और यहाँ पर जो है हमारा जैसे विश्व प्रसिद्ध स्थल, यहाँ ना तो लाइट की व्यवस्था है अच्छे तरीके, जबकि आस पास का क्षेत्र गंदगी से भरा रहता है वो, ठीक है। और पानी की समस्या ये है कि अक्सर फ्राइडे के दिन वो यहाँ पे ज्यादा जरूरी होता है, कोशिश कर रही है। अगर हम बात करें पिरान कलियर की, तो यहाँ पर क्या वो हलचल देखने के लिए मिल रही है? जनता का मूड क्या है यहाँ पर? जनता का मूड इस बार, अगर कांग्रेस का कहना है ये है कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, लेकिन कलियर विधानसभा की अगर बात करें तो वहां पर लग रहा है कांग्रेस जा रही है और भाजपा आ रही है, क्योंकि काफी लोग अब इस टाइम वहां पर विधायक जी से परेशान हो दूसरी पार्टी को निर्णय ले चुके हैं, और कहीं ना कहीं इस बार फुकान विधायक को भारी नुकसान वहां पर पहुंचने वाला है। बिल्कुल शहजाद, एक और चीज यहाँ जानने की कोशिश करूंगी कि अभी क्या हाल फिलहाल में विधायक जी यहाँ पहुंचे हैं जनता के बीच? विधायक जी अभी तो पहुंच रहे हैं और जनसंपर्क भी बना रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं, लेकिन लोग अगर बात करें जनता की, तो जनता में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जनता बार बार उनसे ये सवाल करती है, आज तक आपने 7 साल हो इस पुल को सुचारू नहीं करा सके, आप 10 साल से आप विधायक है और आप यहाँ पर कब्जा कर रहे, लेकिन आज तक कोई आने जाने की कोई सुविधा नहीं है, काफी दिक्कत का लोग सामना करना पड़ रहा है, और कहीं अभी सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है। शहजाद, ठंड का मौसम है, तमाम व्यवस्था प्रशासन को करनी होती है, क्या वो व्यवस्था है? अलाव की व्यवस्था है, रैन बसेरों की हालत तो मैं देख रही हूँ एकदम बदतर है जी।
वो तो आप देख ही रहे हो तस्वीरों में कि रेन बसेरे की हालत कितनी बदतर है, पार्किंग है उनकी भी काफी हालत खराब है। और अगर बात करें ठंड के मौसम की, तो ठंड में कहीं ना कहीं काफी ठंड बढ़ी हुई है। विधायक जी को वहां पर चौराहे पर लकड़ियां भी डालनी चाहिए और उससे आग जलाकर जो गरीब लोग कष्ट दे रहे हैं वो बिल्कुल शहजाद यानी कहा जा सकता है कि इस बार पिरान कलियर विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है कि सत्ता का परिवर्तन करना है या सीधे बहिष्कार करना है चुनावों का। बिल्कुल सत्ता का परिवर्तन करना है और मन बना चुकी है। वहाँ पर कहना है कि हमें वहाँ यहाँ पर वो प्रतिनिधि चाहिए बिल्कुल। शहजाद अभी तौकीर ग्रामीण हमारे साथ बने हुए, उनका ये कहना था कि शुक्रवार के दिन काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि शुक्रवार की नमाज अदा करनी होती है क्योंकि यहाँ ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो ऐसे में बहुत समस्याएं होती है, पानी बहुत गंदा होता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं शुक्रवार और बृहस्पतिवार को तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि दूर दूर से लोग वहां पर जायरीन आते हैं और सुबह जुमे की नमाज अदा करने के बाद वहां से जो कुछ लोग उन्हें काफी दिक्कत होती है। पानी की समस्या देखकर लिख जाए तो पानी उनको पीने तक का पानी कहीं प्राप्त नहीं हो पाता है, सभी जगह पानी गंदा आता है, इसे देखते हुए लोग काफी दिक्कतें भी आती है वहां पर और काफी आने जाने में भी काफी लोग परेशान रहते हैं। बिल्कुल शहजाद, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी कि पिरान कलियर की जनता की तरफ से क्या कहना है, उनका क्या कहना चाहते हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के माध्यम से। जी मैं आपको बता दूं बिल्कुल पिरान कलियर की जनता न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया चाहती है जनता चले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तो पिरान कलियर विधानसभा हालात कैसे हैं हमने आपको दिखाए हैं, एक तस्वीर आपको दिखाई, ना तो शिक्षा व्यवस्था है ना स्वास्थ्य व्यवस्था है, सड़कें पूरी तरह से खस्ता हाल में है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। विधायक जी कहते हैं कि हमने बहुत कार्य अच्छा किया है, हमने पिरान कलियर को पूरा चमका दिया है, लेकिन कितना चमकाया है वो तो तस्वीरों में आपने देख ही लिया है। ग्रामीण जो मेरे साथ बने हुए थे उन्होंने क्या हकीकत है वो दिखाने की कोशिश की है, यानी ये पता चलता है कि यहां के जो विधायक है उनका रिपोर्ट कार्ड पूरी तरह से फेल है और अब जनता ने मन बना लिया है सत्ता परिवर्तन का। कल फिर लौटेंगे इस खास प्रोग्राम में किसी और विधानसभा के साथ, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।